हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस साइड निशा अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेटिंग फॉर माय वीडियोस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब से मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फैमिली हमेशा मेरी वीडियोज का वेट करती है और मेरे वीडियोज के कॉमेंट बॉक्स में मुझे हमेशा ये मैसेजेस आप डिलीवर करते हो कि अगर हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपके डाइट प्लान्स नहीं ले पा रहे हैं, तो हम कैसे वेट लॉस करें। निशा मैम, आप तो अपने फॉलोअर्स को भूल चुकी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा भी बहुत मन करता है मैं आप लोगों के लिए हर रोज वीडियो लेकर आऊं, डेली मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपीज और ऐसे डाइट प्लान्स लेकर आऊं जिन्हें फॉलो करके आप अपना अमेजिंग वेट लॉस करें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। गाइज, आपको पता है अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे कल मेरी एक बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट जो कि अहमदाबाद से हैं और जिनका नाम है रुखसाना, स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है। रुखसाना जी ने इस वीडियो में खुद बताया है कि उन्होंने सिर्फ 17 दिन में अपना 10 केजी वेट लॉस किया, जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया। रुखसाना जी को बहुत सारी बधाइयां दी। और 17 दिन में 10 केजी वेट लॉस करना, मतलब उस इंसान की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा होगा। बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये इम्पॉसिबल भी लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको हमेशा एक ही चीज सिखाती हूँ अपने वीडियोस में कि अगर आप शिद्दत से किसी काम को करते हैं तो आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर एक जज्बा है कि मुझे करना है। रुखसाना जी ने जब मेरे साथ ज्वाइन किया, शी टोल्ड मी दैट कि उनकी बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनको बहुत ज्यादा जो है पेन रहता है, जिसकी वजह से उन्हें हर टाइम बेल्ट बांध के रखना पड़ता है और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रिक्टली अवॉइड किया कि वो एक्सरसाइज ना करें। फिर भी रुखसाना जी ने वॉक के साथ 17 दिन में अपना 10 केजी वेट लॉस कर दिखाया। और जब मैंने उनका वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में उनका डाइट प्लान शेयर करने की रिक्वेस्ट की। सो इसीलिए आज का ये वीडियो जो है रुखसाना जी के डाइट प्लान से कंसर्न रखता है। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जिसे रुखसाना जी की डाइट में मैंने ऐड किया। हर रोज उन्होंने खाया और 17 दिन के अंदर 10 केजीज वेट लॉस किया। मैं उनका पूरा का पूरा डाइट प्लान इसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये रेसिपी मैं पहले इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं वीडियो पूरा बनाने के चक्कर में वीडियो लेट पोस्ट करूं और फिर आपको लगे कि मैम 5-5, 7-7 दिन हमारे साथ कनेक्टेड नहीं रह पाती। इसीलिए ये एक स्पेशल रेसिपी जो उनकी डाइट प्लान में मैंने उन्हें खाने की दी और जो मेरे चैनल पर अभी तक मैंने पोस्ट नहीं की है, वो मैं इस डाइट प्लान में एक हिस्से में, एक पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 1 है, यहां पर पोस्ट करने वाली हूं। गाइस, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को, दादा दादी को, नाना नानी को हमेशा ये कहते सुना होगा कि ज्यादा चावल नहीं खाने चाहिए, चावल खाने से वेट गेन होता है। लेकिन आपको पता है कुछ मामलों में चावल को अगर दही के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये आपको जबरदस्त वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के, जब मैं डाइट प्लान्स बनाती हूं या जब वो अपने फीडबैक रिव्यूज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपने ये कहते हुए सुना होगा कि हमने सब कुछ खाया, रोटी, चावल, दाल, मीठा, और ये सब कुछ खाकर हमने इतना अच्छा वेट लॉस किया। रुखसाना जी ने भी आपको यही बताया कि उन्होंने सब कुछ खाया एंड इवन मीठा भी खाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा रुखसाना जी का, तो मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो लगाऊंगी और जो सेकेंड पार्ट में पोस्ट करूंगी, ट्राई करूंगी कि मैं वीडियो उस प्लान में भी आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो। गाइज, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती है। हमारी बॉडी ऐसी बहुत सारी दिक्कतों से परेशान होती है जिसके बारे में, जिसे हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लाइक हेडेक है या नीज में पेन हो रहा है या कमर दर्द है या कोई भी और परेशानी है, हमें लगता है ठीक हो जाएगा, काम का स्ट्रेस है इस वजह से शायद ये परेशानी है। लेकिन धीरे 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 ये चीजें बढ़ने लगती हैं और फिर जब ये एक इस हद तक पहुंच जाती हैं कि वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं, तब जाके हमें एहसास होता है कि हमने अपनी बॉडी को सही मायने में कभी वक्त ही नहीं दिया, कभी उसका ध्यान ही नहीं रखा, जिसकी वजह से ये परेशानियां बढ़ गई हैं। रुखसाना जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बैक पेन बहुत ज्यादा बढ़ा तो उन्हें लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब मुझे अपना वजन कम करना है। अब देखिए गाइस, जब आपका वेट बहुत ज्यादा होता है, आप जब ओवर वेट होते हैं, उस वक्त पे आपकी बॉडी वेट को जल्दी जल्दी नीचे लेकर जाती है। लाइक रुखसाना जी का वेट ओवर वेट था, जिसकी वजह से वो 17 दिन में 10 केजीज, उन्होंने जो डाइट प्लान को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया, तो वो 17 दिन में 10 केजीज वेट लॉस कर पाई। जब आप अपने टारगेट वेट के नजदीक आ जाते हैं, तब आपका वेट धीरे धीरे जाता है। शायद बहुत कम लोग आपको ये बताते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स और अपने फॉलोअर्स को वही चीज बताती हूँ
जो रियल में फैक्ट है। तो आप में से जो भी लोग ओवरवेटेड हैं या जो भी लोग चाहते हैं कि वो अपना वेट कम करें, चाहे वो ओवरवेट नहीं है, अगर आपका वेट 70 है, 75 है, 60 है, किसी भी कंडीशन में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए सीरियसली एक मैजिकल रेसिपी का काम करने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दही और चावल को मिक्स करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन किसी भी चीज को खाने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जो चीज हम खा रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं। गाइस, दही जो है स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है। आजकल के टाइम में किसको स्ट्रेस नहीं है? अगर मम्मी ने कुछ कह दिया तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, अगर हमारे इन-लॉज ने, हमारे हस्बैंड ने या हमारे बच्चों ने हमें कुछ कह दिया तब भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये सिचुएशन हर एक के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। दही के अंदर प्रीबायोटिक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, और इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमें स्ट्रेस से रिलीफ दिलाते हैं। इसीलिए दही को चावल के साथ मिक्स करके खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी के साथ दोस्तों, दही जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छा रखती है। अगर आप इस रेसिपी को रेगुलर 1 मंथ तक अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी जल्दी अपना वजन कम करने लगेंगे। रुखसाना जी ने ये रेसिपी रोज खाई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए इस डाइट प्लान का लेकर आ रही हूं, उसमें मैं इस रेसिपी को जहां पे भी ऐड करूंगी आपको वो इस डाइट प्लान में एवरीडे खानी है। और अब आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि दही और चावल को मिलाकर खाएंगे तो वो टेस्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। मेरी रेसिपीज हमेशा बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस होती है, और हमेशा आप सब लोग खाकर उसकी तारीफ भी करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये रेसिपी आपके लिए अच्छी नहीं हो? इवन हमारी बेला को भी खाना बहुत पसंद है, तो आप भी इसको जरूर खाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इसको खाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपने रिव्यूज मेरे साथ जो शेयर करेंगे, वो डेफिनेटली बहुत खुश होकर शेयर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ रागी सूप की रेसिपी शेयर की थी, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने रिव्यू शेयर किए, जब उन्होंने उसको बनाकर खाया, दे टोल्ड मी कि सीरियसली हमने इतनी अच्छी रेसिपी कभी नहीं खाई। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा 2 से 5 मिनट में बनने वाली रेसिपीज लेकर आती हूँ। सो दही आपके लिए स्ट्रेस रिलीवर का काम करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगी, जिससे कि लगातार आपने देखा होगा जो लोग वेट लॉस करते हैं, किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, स्टेमिना बहुत कम होने की वजह से वेट लॉस जर्नी में उन्हें बार बार फीवर आने लगता है। तो अगर आपको वेट लॉस जर्नी में बार बार बुखार आता है, तो आपको डेफिनेटली दही चावल को मिक्स करके अपनी डाइट में जरूर खाना चाहिए। इससे आपको बार बार बुखार आने की समस्या से रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जब हम बहुत ज्यादा वेट लॉस करने के लिए पैशनेट होते हैं, तो हम कुछ भी, किसी ने कुछ भी बताया, हम अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करने लगते हैं, और कुछ ऊट पटांग चीजें खाकर हम अपनी डाइजेशन को जो है बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं। तो गाइज, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आप सुबह सुबह फ्रेश नहीं हो पाते, तो यकीन मानिए रेगुलर कुछ दिन तक इसको खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलने वाला है। और रही वेट लॉस की बात, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप बहुत जबरदस्त वेट लॉस करने वाले हैं। आपको पता है मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मेरे क्लाइंट्स अगर ईमानदारी से सब चीजें फॉलो करते हैं तभी वो इतना अच्छा वेट लॉस करते हैं, और अगर आप भी करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो रिव्यूज हैं वो मेरे तक जरूर आएंगे कि निशा मैम आपकी इस रेसिपी से या आपकी इस डाइट प्लान से हमने भी अमेजिंग वेट लॉस कर दिखाया है। तो चलिए गाइज, सीखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी है, लेकिन बनाने के लिए चलना पड़ेगा मेरी किचन में। सो चलिए दोस्तों, बनाते हैं हमारी 2 मिनट में बनने वाली ये दही चावल की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप उबले हुए चावल ले लिए हैं। ध्यान रखें, जब आप चावल को बॉईल करें तो चावल जितने आप लेंगे उसका 2.5 गुना पानी लें, और अच्छे से चावल के पक जाने के बाद आपको उस पानी को फेंक देना है। अगर आप इसको खुला नहीं उबालना चाहते तो कुकर में चावल को आप सीटी लगवा सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो चावल हैं वो थोड़े से मशी होने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर मैंने ताज़ा दही ले लिया है, जिसको कि मैंने घर पर ही बनाया, और ये काफ़ी गाढ़ा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, काफ़ी गाढ़ा दही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी आपको गाढ़ा दही इस्तेमाल करना है, आप जैसा भी घर पे दही बनाते हैं वो दही आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने खूब सारा ग्रीन कोरिएंडर ले लिया है, हरा धनिया जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। इसी के साथ एक बॉल में यहाँ पर मैंने ले लिया है हींग, जीरा और राही, साथ ही में यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ता के मैंने लीव्स ले लिए हैं, 2 मैंने ले ली हैं सूखी लाल मिर्च, उड़द की दाल और चना की दाल।
बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। दोस्तों इन चावलों को मैं यहाँ पर एक बॉल में ट्रांसफर कर देती हूँ। आप चाहें, अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप ऑफिस गोइंग हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब चावल उबालना पड़ेगा, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आप रात को चावल बॉईल करके जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खूब सारा दही। तकरीबन आधा कटोरी दही जो है मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही को मिक्स करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा आपको चम्मच की हेल्प से चावल को दबा देना है ताकि आपके चावल जो है वो थोड़े मशी हो जाएं, दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसको तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 स्पून घी और इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे। हींग इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाली है। जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे चना दाल और उड़द दाल और इसको एक बार अच्छे से हम हिला लेते हैं ताकि हमारी दोनों दालें जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। डालो। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता के लीव्स। और लीजिए हमारा मसाला हो गया है रेडी। इसको हम गैस की फ्लेम को बंद करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दही चावल के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और इसके टेस्ट को बढ़ाएगा। और साथ ही में मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम अपने दही चावल की रेसिपी को इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए कितना यमी दिखाई दे रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी। आप चाहें तो लाल मिर्च को तोड़ के भी डाल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगने वाला है आपको खाने में। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसके टेस्ट को इनक्रीज करने के लिए लाल या काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, रेडी हो गई है हमारी दही चावल की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है बनाना, आपका बहुत अच्छा वेट लॉस करने में हेल्प करेगी और कई सारी बीमारियां बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करने वाली है। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं ये खाने में कैसे लगती है। सो देखिए बेला भी इंतज़ार कर रही है इसको खाने का, इससे भी वेट नहीं हो रहा क्योंकि बेला को ये बहुत अच्छी लगती है। और एक बार ट्राई करते हैं खाने में कैसी है। सीरियसली यम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ज़रूर बनाइए, खाइए, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ दीजिए आपको कैसी लगी। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। क्यों बेला? सो देखा आपने कितनी अमेजिंग है, कितनी जल्दी बन गई, सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स और आपने इसको फटाफट बनाया। क्या आपको पता है कि आप ये रेसिपी खुद अपने डाइट प्लान में तो खा ही सकते हैं, इवन आप अपने छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपके बच्चे इसे खाएंगे तो हर रोज आपसे ये रेसिपी मांगेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि मैं मेरे लिए अलग बनाऊं या मेरे बच्चों के लिए अलग बनाऊं। सो आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। इस चैनल को फॉलो करें, अपना अमेजिंग वेट लॉस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिले। और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आप लोगों के साथ पूरा का पूरा डाइट प्लान रुखसाना का शेयर करने वाली हूं कि कैसे उन्होंने 17 दिन के अंदर अपना 10 kg वेट लॉस किया और कैसे आप भी ये कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, अगर हम सोच लें तो। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में रुखसाना जी की डाइट प्लान के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने सुबह से लेके क्या क्या खाया और कौन सी फैट कटर ड्रिंक्स उन्होंने ली जिससे वो इतना अच्छा वेट लॉस कर पाए। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। हेलो निशा मैम, मैं रुखसाना अहमदाबाद से बोल रही हूँ। आपके साथ ज्वाइन हुआ 17 दिन हो गए। 17 दिन में 10 kg वजन उतर गया, आपकी वजह से उतर गया। बहुत हिम्मत दिया मैम आपने।
इतनी ज्यादा हिम्मत, हमने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उतर जाएगा। सब लोग बोलते थे तो हम सोचते थे उतर जाएगा 4-5 महीने में 2-3 किलो उतर जाएगा, पर 17 दिन में 10 kg उतर गया मैम। बहुत हिम्मत दे दिया मैम आपने, कमाल कर दिखाया। और इतनी जल्दी यकीन नहीं हो रहा था, और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी। हमें एक एक्सरसाइज नहीं करे हैं, बस खाली जो है डाइटिंग करी है, एक्सरसाइज एक भी नहीं करी है। बगैर एक्सरसाइज किए 10 kg उतर गया। और आपने जो डाइट प्लान दिया वो भी बहुत टेस्टी था, हर कुछ खिलाया, मीठा भी खाया, सब चीज़ खाया, फिर भी उतर गया, तो हमें भी बहुत खुशी हो गई। जो कपड़े पेटी में रखे थे वो भी नहीं आ रहे थे, अब वो भी आने लग गए। इससे तो और ज़्यादा खुश हो गए कि किसी को देने से अच्छा खुद ही आ गए। अब दवा भी बंद हो गई मैम, आपने बहुत हिम्मत दिया। हम अभी तो मैम पूरे 4 महीने बाकी हैं, उसमें तो हम बिल्कुल पतले भी हो जाएंगे आपकी हिम्मत की वजह से। आप जो इतनी हिम्मत देती हैं, बार बार बोलती हैं चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, ये सब बातें होती हैं कि नहीं ऐसा मैम बोलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। हम इसकी वजह से ये कह रहे थे कि जो भी होना चाहता है, अगर अपना वज़न उतारना चाहता है, निशा मैम से उतारिए। निशा मैम, अगर कोई बात, कोई गलती होती थी, 10 बार उस बात का पूछो, 10 बार मैम प्यार से ही जवाब देती हैं। मैम का जवाब देने का तरीका बहुत एंटी के, बहुत अच्छे से जवाब देती है। ये नहीं कि अभी बताया था अब कैसे बताएं, मैम बहुत प्यार से बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशा मैम, थैंक यू।